हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा शुक्ला हब और टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं तो आप चैनल पे आ गए हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज देखिए संस्कृत भाषा या शिक्षण के अंतर्गत सीटेट 2019 की परीक्षा में संभावित गद्यांशों से संबंधित अभ्यास प्रश्न पत्रों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों देखिए, आज के समय में गद्यांश और पद्यांश इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, जैसे पिछले गद्यांश में मैंने आपको संगणक से संबंधित प्रश्नों की चर्चा किया, आज मैं कुछ सामाजिक तत्वों से संबंधित गद्यखंड को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, सबसे सरल बात यह है, कोई भी गद्यखंड या पद्यखंड करने से पहले आपको समझना चाहिए कि जो भी प्रश्न हमारे दिए गए हैं उन प्रश्नों के शब्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो प्रश्नों में शब्द आए हुए हैं उन प्रश्नों को देखना चाहिए कि हमारे गद्यांश की किस पंक्ति में वो शब्द मिल रहे हैं। जिस पंक्ति में वो प्रश्न के शब्द विद्यमान दिखते हैं, केवल मित्रों उसी पंक्ति में आपका उत्तर विद्यमान होता है। ये समझ लीजिए, चाहे आपको पूरे गद्यांश पद्यांश का अर्थ मालूम हो या ना मालूम हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको शब्दों का ध्यान दे करके पंक्ति में अगर आपने देख लिया, मिला लिया, तो जिस पंक्ति में वो हमारे शब्द मिलते हैं उसी पंक्ति में उसका उत्तर विद्यमान होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा मित्रों, केसाम संगेन बुद्धि प्रखरः भवति, किसके सानिध्य से, किसके साथ से हमारे बुद्धि में निखार आता है, प्रखरता आती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, तीव्र होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबरी, सबरी एक पात्र है रामायण की, इसका कोई संबंध इससे नहीं है। सताम, सज्जनों की संगति से, यही आपका विकल्प सही है। केसाम संगेन, केसाम में षष्ठी विभक्ति है और इसमें भी षष्ठी है, इसलिए जो प्रश्न में विभक्ति विद्यमान होती है वही उत्तर की भी विभक्ति होती है। तो केसाम संगेन बुद्धि प्रखर भवति, सताम संगेन सज्जनों की संगत से, षष्ठी विभक्ति, तो इसका उत्तर होगा मित्रों सताम। दुष्टम च सुग्रीवम तो अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम नास्ति, तो केवलम अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम सताम संगति एव वा सताम संगेन एव बुद्धि प्रखरः भवति। द्वितीय प्रश्न, मानव कीदृशः प्राणी अस्ति, मानव किस प्रकार का प्राणी है, तो इसमें सबसे पहली पंक्ति में दिया है मानव सामाजिक प्राणी अस्ति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो देखिए, मानव यहां मिला, मानव यहां है, प्राणी मिला, प्राणी मिला, अस्ति अस्ति मिला है, तो कैसा प्राणी है, सामाजिक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मानव कीदृशः प्राणी अस्ति, तो मानव सामाजिक प्राणी अस्ति, तो अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम सामाजिक है। देखिए मित्रों, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सुग्रीवः, सुग्रीव किम प्राप्तवान, सुग्रीव ने क्या प्राप्त किया, तो नष्टम राज्यम पत्नीम चापि, अपने खोए हुए राज्य को और अपनी पत्नी को उसने प्राप्त किया। फिर अगला प्रश्न है, बुद्धि इति पदम कस्मिन लिंगे अस्ति, बुद्धि ऐसा पद जो है किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो बुद्धि शब्द मित्रों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में, वैसे जो है की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वह केवल पुलिंग में प्रयुक्त होते हैं और यहां बुद्धि में इक्तिन प्रत्यय है, तो यह जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। पांचवा प्रश्न है मित्रों, अस्माभि पदे किम सर्वनाम अस्ति, अस्माभि पद में कौन सर्वनाम है, तो एतद सर्वनाम है कि तत् सर्वनाम है कि अस्मद है कि युष्मद है, तो मित्रों यह रूप बनता है अस्मद के तृतीया विभक्ति बहुवचन में,
अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान माया आवाभ्याम अस्माभि। तो तृतीया के बहुवचन का यह अस्मद का रूप है, इसलिए अस्माभि पदे किम सर्वनामम, तो अस्मद। अगला प्रश्न है मित्रों, शुद्ध विलोमानि शब्दानि अस्ति, शुद्ध विलोम शब्द हैं। तो इसमें जो आपके चार विकल्प दिए गए हैं, दो दो इसमें जोड़े हैं। अब इसमें से आपको चयनित करना है कि कौन सही विलोम शब्द को दिखाता है। तो उत्कंठा और व्याधि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए यह विलोम शब्द नहीं है। दोष गुणाह, गुण और अवगुण, दोष और गुण, यही आपके शुद्ध विलोम शब्द को प्रस्तुत करते हैं। तो शुद्ध विलोमान शब्दानि अस्ति, बी विकल्प मित्रों आपका सही होगा। मित्रों, आज के वीडियो के अंतर्गत ये जो गद्यखंड आपको बताया गया, यह है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस गद्यखंड को दो तीन बार वीडियो में देख करके अभ्यास करिए, क्योंकि विद्याभ्यासेन आयाति, विद्याभ्यास से ही आती है। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके परीक्षा के लिए बेहतर होगा। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा शुक्ला हब आवर टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं, तो आप चैनल पे आ गए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।